नमस्कार स्टूडेंट, अब हम कन्वेक्शन का एक टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं, हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर वही हीट ट्रांसफ़र, जैसे मैंने आपको बताया कंडक्शन, रेडिएशन एंड कन्वेक्शन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। एक कंटेनर में जब हम बात करें कि अगर कंटेनर में पानी भरा हुआ है और उस कंटेनर को अगर हम नीचे से हीट दे रहे हैं, कंटेनर गर्म हो रहा है, तो कंटेनर जब गर्म हो रहा है तो वहाँ कंडक्शन हो रहा है। कंटेनर गर्म होने के बाद जब वाटर गर्म हो रहा है तो वहाँ कन्वेक्शन हो रहा है। अगर हम हीट ना देकर उसको बाहरी जो हमारा सन है अगर उससे पानी को गर्म होने दें, तो जो पानी हमारा गर्म हो रहा है वो रेडिएशन के थ्रू गर्म हो रहा है। तो ये प्रोसेस थे हीट ट्रांसफ़र के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं हीट एक्सचेंजर। अ हीट एक्सचेंजर मे बी डिफाइंड एज एन इक्विपमेंट विच ट्रांसफ़र द एनर्जी from a hot fluid to a cold fluid with maximum rate and minimum investment and running cost। हम यहाँ पे इस डेफिनेशन से ये समझते हैं कि एक हीट एक्सचेंजर जो है एक डिवाइस है जो हीट को एक्सचेंज करता है हॉट फ्लूड से कोल्ड फ्लूड की तरफ और कोल्ड फ्लूड से हॉट फ्लूड की तरफ विद मैक्सिमम रेट एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड मिनिमम रनिंग कॉस्ट के साथ। यहाँ पर मैंने आपको एक कंडेंसर है जिसे मैं बता के बताती हूँ कि कैसे हीट का एक्सचेंज होता है। ये हमारा कंडेंसर है और कंडेंसर में जो ये पाइप लगे हुए हैं उसमें हॉट स्टीम भरी हुई है और कोल्ड वाटर जो है वो हमारा ऊपर से एंटर किया जा रहा है और जो हमारी ट्यूब्स है उसमें हमारी हॉट स्टीम है। अब यहाँ देखेंगे जो पानी आ रहा है कंडेंसर में और ट्यूब्स में हॉट स्टीम भरी हुई है, तो यहाँ जो कोल्ड वाटर आ रहा है वो भी अपना टेम्परेचर चेंज करेगा क्योंकि जो स्टीम है उसका जो स्टीम हमारी हॉट है वो भी चेंज होगी क्योंकि पानी ठंडा अंदर आ रहा है। दोनों ही सरफेस कॉन्टेक्ट में जब आ रहे हैं तो दोनों का ही टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा। कोल्ड वाटर है वो हॉट वाटर की तरफ कन्वर्ट होगा और जो स्टीम है वो कोल्ड वाटर के कॉन्टेक्ट में आने पर पानी बनने लग जाएगा और इधर की तरफ इकट्ठा होने निकल वो एक गर्म पानी के रूप में बाहर की तरफ निकलेगा, जो है वाटर वो आउट होगा। अब यहाँ देखना कि हम जो हमारा कंडेंसर है, कंडेंसर के इस तरफ अगर हम देखें जहाँ हॉट स्टीम लिखा हुआ है वहाँ टेम्परेचर T1 है और यहाँ टेम्परेचर T2 है। दोनों में ही टेम्परेचर में डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा कंडेंसर है ट्यूब्स की जो लेंथ है उस पर टेम्परेचर डिफरेंस का डिपेंड करता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा हीट एक्सचेंजर है वो दो तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर, नंबर वन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टाइप और दूसरा है इनडायरेक्ट टाइप। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टाइप में तो हीट एक्सचेंजर मीन्स मैंने आपको पहले बताया था कि एक कंटेनर में गर्म पानी भरा हुआ है और एक कंटेनर में हमारा ठंडा पानी भरा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था एक दो कंटेनर लिए, एक कंटेनर में हॉट वाटर भरा हुआ है, एक कंटेनर में कोल्ड वाटर भरा हुआ है। जब हम इस कोल्ड वाटर को डायरेक्टली हॉट वाटर में मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, जो इन दोनों की हॉट और कोल्ड वाटर की मिक्सिंग होगी डायरेक्टली, तो क्या होगा, जो ठंडा पानी है वो गर्म हो जाएगा और जो गर्म पानी है वो ठंडे पानी के साथ मिक्स होकर एक कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आ जाएंगे। एक कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी इनकी, जिनका टेम्परेचर वहाँ पर इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने डायरेक्टली दोनों की मिक्सिंग कराई, तो ये हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर है। इनडायरेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर दो तरह के होते हैं। नंबर वन है रीजनरेटिव और स्टोरेज टाइप और रिकवरेटर एंड ट्रांसफ़र टाइप। जब हम इनडायरेक्ट टाइप की बात करें तो इनडायरेक्ट टाइप में मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ कि इनडायरेक्ट टाइप को कैसे समझेंगे हम। यहाँ पर ये एक वॉल है और यहाँ पर हमारा फ्लूड ए है और यहाँ पर हमारा फ्लूड बी है। फ्लूड ए हमारा इस तरफ फ्लो हो रहा है, फ्लूड बी हमारा इस तरफ। जो हमारा फ्लूड ए है वो हमारा फ्लूड हॉट है और जो हमारा फ्लूड बी है वो हमारा फ्लूड कोल्ड है। तो यहाँ देखिए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है दोनों का, दोनों के बीच में वॉल है। जब
गर्म पानी इधर से फ्लो हो रहा है और ठंडा पानी इधर से फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, यहाँ से जो हमारा गर्म पानी है पहले वो क्या करेगा, उस वॉल को गर्म करेगा, तो इट मीन्स यहाँ पर जो फ्लूड है वो हीट ट्रांसफ़र कर रहा है, इट मीन्स कन्वेक्शन हो रहा है, फिर जो वॉल है वो गर्म हो रही है, यहाँ कंडक्शन हो रहा है, देन उस वॉल से वापस जो हमारा फ्लूड है, जो कोल्ड फ्लूड है वो कॉन्टेक्ट में आ रहा है उसके वॉल के, तो ये भी गर्म हो रहा है, तो यहाँ पर वापस हमारा क्या हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे तो ये हमारा इनडायरेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर है, जहाँ पर वॉल के एक तरफ फ्लूड हमारा ए है, एक तरफ बी है, जो इसमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है, हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। थैंक यू।